रैम के वोल्टेज को बाईपास करना, ये आपने आज तक कभी यूट्यूब में कोई वीडियो देखा है क्या इसका? नहीं, ये पहला यूट्यूब में वीडियो होगा इंडिया में जो ईशा टेलीकॉम दे रहा है। हमारे हाथ में एक फोन है और सावन का फोन है और ये फोन नाइने है और ये डेड है। अब इसमें किस बात से डेड है, अगर सीपीयू बनाना हो तो सीपीयू बनाएंगे या जो भी है प्रॉपर डायग्नोस करते हुए चलेंगे। हेलो yes, पर कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि चलो पावर रिबोल कर लेके देख लेते हैं, ये देख लेने वाला काम नहीं करेंगे। हेलो yes, सिक्वेंस के साथ खेलेंगे, समझ रहे बड़े yes, और सबसे नई बात कोशिश करेंगे 50-70% डायग्राम यूज ना करें। हेलो yes, तो डायग्राम से तो सभी काम कर रहे हैं और वो हमारे लिए आसान है, पर अगर हम बिना डायग्राम का अपना एक्सपीरियंस यूज करें वही ज्यादा एक मैटर करता है, समझ रहे हो yes, तो सबसे पहले हम इसके फोन में जो शुरुआत में सारा चीज वो करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे फोन हमें कस्टमर से मिला है। हेलो yes, पोर्ट बनाएंगे, बोलो पोर्ट, देखो पोर्ट बन रहा है कि नहीं। तो जो स्टेप टू स्टेप है जो मैंने बताया वही चीज का अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फिर से क्या अपन देख रहे हैं पोर्ट बन रहा है। पोर्ट बनने के बाद हम चेक करेंगे जब पोर्ट नहीं बन रहा है, अगर पोर्ट बन रहा है तो ठीक, अगर पोर्ट नहीं बना तो भी आगे जाएंगे। फिर हम इसमें बैटरी लगाकर मतलब डीसी लगाकर इसकी रीडिंग चेक करेंगे एम्पियर, जो खड़े हो रहे ना वो आगे जाके खड़े हो। ये पोर्ट के अंदर देखना है और अगर मेरा लैपटॉप में ड्राइवर नहीं है तो यहाँ अनऑन करके आएगा, ये यूएसबी पोर्ट बन रहा है। हेलो yes, ठीक है, बट इस फोन में फ्लैशिंग करने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात yes, और इसकी एमएमसी आईसी भी ओके है। हेलो yes, मतलब ये फोन एमएमसी पे नहीं है और सॉफ्टवेयर से कोई नहीं है, तो ये आपको अपनी दुकान में पहले सॉफ्टवेयर करना है, एमएमसी के आईएसपी करके एमएमसी करना है, पार्टीशन चेक कर लेना है, जो जो आपको सिखाया जाएगा वो करना है। हम डीसी रीडिंग देखेंगे, क्या देखेंगे डीसी रीडिंग, देखो डीसी रीडिंग बूट केबल दो भाई या प्लस माइनस लगा लो। आखिर सबसे लास्ट रीडिंग बताओ, सबसे आखिरी वाली 90 जीरो 90, अब मिला यहाँ पर 090 तक ये सेट जा रहा है, पावर की छोरा ये वापस जीरो आ गया। हेलो yes, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि डीसी रीडिंग पर 40 के ऊपर पोर्ट बनता है, तो बन गया। हेलो क्लियर हुआ yes, sir. अब 40 और 130 के बीच में ये बेसिकली एमएमसी के फॉल्ट होते हैं, किसके अगर एमएमसी सही है तो ऑटो पोर्ट, मतलब कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर हमें जो लग रहा है ये पॉइंट हमारा एमएमसी और रैम को लेकर है, किसको है या सीपीयू को है, या सीपीयू को है, तो हो सकता है सीपीयू रिस्पांस नहीं कर रहा हो एमएमसी को इसलिए ये सॉफ्टवेयर से ऑन नहीं कर रहा या फ्लैश होने पर काम नहीं कर रहा। तो आओ इसको आप थोड़ा सा देखते हैं, इतना तो क्लियर है कि इसका पावर सेक्शन बिल्कुल ओके है, बक सेक्शन बिल्कुल ओके है। कैसे ओके है सर? पहला कंडीशन नंबर वन, पोर्ट बनने के बाद पावर पावर और बक ओके क्लियर है yes, क्योंकि पोर्ट सीपीयू बनाता है और सीपीयू तभी बना रहा है जब उसको बक मिल रहा है। हेलो yes, क्या मिल रहा है बक। अगला पॉइंट कि अगर हमने देखा कि इसकी रीडिंग जा रही है 90 तक, कितने तक 90 40 के ऊपर पावर ओके माना जाता है और बक भी बनता है, क्या बनता है। अब इसमें अपन फिर से पर अपन अपना सुटकेस में चेक करेंगे। हेलो यस सर, मिलन सर चार्जर लगाओ, वीबैट का सुटकेस सबको दिमाग में है। हेलो और इसके अंदर एक वो बाईपास भी है ऑलरेडी पहले से VS 12 BA 12। हेलो BA 12 ऑलरेडी बाईपास है, ऑलरेडी बाईपास है, मतलब वो यूट्यूब से देखकर बाईपास करने वाला और बस उसके बाद भाई साहब नहीं बना भाई, उसने BA 12 तक तो पहुंच गए पर BA 12 के बाद नहीं बना, तो यही वाला मामला है, BA 12 से नहीं बनेगा ये, पहले देखेंगे। चलो सबसे पहला वोल्टेज बोलो चार्जर
दूसरा वोल्टेज भाई मेरे बोलने से पहले बोल लो। तीसरा वोल्टेज पावर की, पावर की सर देखो सर चौथा वोल्टेज पांचवा वोल्टेज वीआरसी अब क्रिस्टल चेक करने की जरूरत नहीं है अगर हमारा बीएस वन बन रहा है तो क्या बन रहा है बीएस वन बन रहा है तो मतलब क्रिस्टल बीएस वन चेक करो साहब बीएस अभी बीएस वन क्लियर है सर स्टेबल भी है हेलो बीएस टू 1.4 ओके सर VA 12 1.2 दिखाओ सर दिख रही है ये ऑलरेडी जंपर मारा गया है तो यहां पर 1.4 बनेगा वहां पर भी 1.4 बनेगा दिखाओ सर यहां पर वहां पर भी दूसरी ओर ठीक तो बट अब इसके बाद क्या चेक करें अब इसके बाद सबसे पहले चेक करते हैं एमएमसी के वोल्टेज किसके वोल्टेज ठीक है एमएमसी के वोल्टेज एमएमसी के ऊपर मैं यहाँ पर डायग्राम इसलिए खोलूंगा क्योंकि अब हमें डायग्राम हालांकि हमें चाहिए नहीं हम दो मिनट में यहीं पर यहीं पर चेक करेंगे बट क्योंकि हम यूट्यूब में दिखाना चाह रहे हैं वीडियो तो हम ये दिखाएंगे कि जो यूट्यूब में साधारण लोग से बैठे हुए हैं जो कोई काम हम नहीं सीख रहे तो एटलीस्ट जहाँ से थोड़ा सीख जाए तो हम इसमें सर्किट खोलेंगे 9A का और ये देखेंगे कि कैसे एमएमसी के वोल्टेज ढूंढे जाते हैं ये हमारा है 9A ये मिल गया डायग्राम अब हमें ये समझना है कि डायग्राम के साथ में समझ हालांकि हमें आप लोगों को एमएमसी के अंदर वोल्टेज ढूंढने के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको बीजे 221 हो या बीजे 254 हो और 153 आगे हम समझाएंगे तो सारी चीज तो ऑलरेडी पता ही तो हम इसको साथ में ले लेते हैं अब साथ में लेने का कोई फायदा नहीं है बट यहाँ पे कैपेसिटर की रीडिंग पता ये चल जाएगा क्योंकि ये क्या है ढूंढता नहीं है अब हम यहाँ पर एमएमसी में जाएंगे तो हम एमएमसी का ये एमएमसी हमारी यही लगी है ये U1501 लिखेंगे ठीक है सर U1501 ये हमारी एमएमसी आ गई अब ये हमारा VCCQ आ गया और ये VCCQ C1508 ये हमारा VCCQ है हमें क्या क्या चेक करना है मैं पहले बता दूं VCC अब ध्यान देना 1.8 2.8 1.8 ये भी हम चेक कर लेंगे बट अगर हम IC उतारते हैं तो एक मिनट सर अब हम कैसे चेक करेंगे यार इसमें तो प्रॉब्लम है क्योंकि यार ये तो यहाँ पर दिखाई नहीं रहा तो बेटर ये है हम इसका बिटमैप खोल लेंगे तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है तो बिट मैप खोल लिया तो हमारा डायग्राम भी हो गया बिट मैप से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है अब नोटिस करना बिट मैप के बाद अब हम अपने यहाँ पर जाएंगे एमएमसी में और इसका सोप एड इन्फो कर देंगे तो हमें यहाँ पर खुद ही पता चल जाएगा ये वी एमएमसी तो एक वोल्टेज हमारे इन कैपेसिटर में आना चाहिए चेक करो सर यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर 2.8 या 1.8 क्या बनता है कोडिंग के हिसाब से जो भी बनेगा 2.8 हेलो मतलब एमएमसी का वोल्टेज ओके दूसरा 1.8 देखेंगे तो 1.8 हम यहाँ पर VIO 1.8 तो दूसरा इन कैपेसिटर में देखो साहब ये भी ओके है हेलो अब ऑटो पोर्ट तो नहीं बना रहा तो हम ये नहीं बोलेंगे कमांड ओपन है रिसेट ओपन है क्योंकि ये होता तो ऑटो पोर्ट बनाता ऑटो पोर्ट नहीं उसमें सर ने वॉल्यूम दबा के वो बना तो भी कैसा होगा अब हम इसमें रैम के वोल्टेज चेक करेंगे किसके वोल्टेज चेक करेंगे अब देखो इसके अंदर रैम लगी है पूरी तरीके से एक डेडिकेट रैम है जिसकी दो आईसी है एक आईसी ये है एक आईसी है ये डबल आईसी के साथ भी रैम आता है दिखाओ साहब यहाँ से रैम अब आपको इन दोनों आईसी को समझना पड़ेगा सर ये आईसी आपको तभी मिलेंगी जब आपके रैम अलग से लगी मिलेगी हेलो हाँ तो ये देखो एक आईसी ये है और एक आईसी ये है ये दोनों आईसी क्या कर रही है और क्या वोल्टेज बना रही है तो पहले अपन डायग्राम में समझते हैं आईसीओ के साथ तो अभी कैसा है तो हम यहाँ जाएंगे और ये हमारा U2801 और U2802
तो हम U2801 में यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे, मिलन चल लिखो U2801। अब U2801 क्या है, जो सबसे पहली एक आईसी है। तो ये देखो, दो आईसी है आपके सेट के अंदर, दो आईसी लगी है LPDDR4 LPDDR4, मतलब रैम की दो आईसी लगी है, VD RAM एंड VDDQ। सो एक आईसी है VDD2 1.2 और एक है 0.6, मतलब RAM को अब 1.2 ICU से मिल रहे हैं। हेलो, यस सर। कहाँ से मिलते थे सर? सर ये मिलते थे पहले मेन पावर से। किधर से? मेन पावर से, LDO से। हेलो, फिर कहाँ मिलते थे सर? और अपडेट हुआ तो ये मिलने लगे बक से। कहाँ मिलने लगे? PML, PML, A, C, C। फिर असर और अपडेट हुआ तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक आईसी भी लगा रहे, खुद की आईसी। तो ये देखो यहाँ पर है VDD2। हेलो, कितना वोल्टेज? 1.2। तो ये कॉइल है PL 2803, हम यहाँ पर देखेंगे PL 2803। ये इस कॉइल के साथ क्या कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो इस कॉइल के साथ ये देखो, ये लिखा ही हुआ है VDD2, मतलब यहाँ पर हमें बनना चाहिए 1.2, क्या बनना चाहिए 1.2, और यहाँ बनना चाहिए 0.6। हेलो, मिलन सर चेक करो। तो अब देखो, बोलो 1.2 चार्जर निकाल के देखो फिर से, दो तीन कंडीशन में बनाओ भाई, बैटरी लगाओ, चार्जर लगाओ, पावर की शॉर्ट करो, सब करो, उसके बाद में फिर आईसी पे काम करो। 0.6 ही बन रहा है सर ये प्रॉब्लम। हाँ, तो बेसिकली ये 0.7 बन रहा है, ये मिली वोल्टेज में आ रहा है। यहाँ पर दूसरे में देखा, एक मिनट फ्लूक का मल्टीमीटर लाओ, अभी देखो अभी बताता हूँ। अरे जाओ MD सर, फ्लूक का मल्टीमीटर दो। देखो अब आपको एक चीज और बताता हूँ, आप अपने मल्टीमीटर में एक मल्टीमीटर बाद में ऐड करना, फ्लूक का मल्टीमीटर जो मैं दे रहा हूँ, ये US मेड मल्टीमीटर है, ये सारे वही मल्टीमीटर यूज करते हैं जो आईफोन कर रहे हैं। चलो देखते हैं, पहले आप चेक करो, हम मल्टीमीटर चेंज कर रहे हैं, ये चेक करने के लिए 0.6। ये देखो कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है ना यहाँ पर। यहाँ सर, यस सर, हाँ। तो ये मैंने आपको पहले दिन ही ये मल्टीमीटर रिकमेंड किया था। yes, sir. Yes, sir. इसका डिस्प्ले भी सब सुपर है और मल्टीमीटर भी, मना कर दो, मना कर दो पूर्ण जबरदस्ती। DT17 है, तो इसका मतलब है ये तो हमारा ओके है। ठीक है सर, बताओ अब 1.2 चेक करो, पर 1.2 नहीं आ रहा है। हेलो, क्या नहीं आ रहा है, चलिए बताओ। 1.2, तो इसी वजह से, पर तब भी ऑन होगा नहीं, क्योंकि रैम प्रोसेस करने के लिए वोल्टेज ले नहीं रहा। ये सुकेंस का मैटर है, सुकेंस में फंसा हुआ है। तो ये सॉफ्टवेयर वाले तो कभी बना ही नहीं सकते इस फोन को, और हार्डवेयर वाले भी वो नहीं बना सकते जो सिर्फ CPU पे काम कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? यहाँ तक पहुंचना है, और ये वही है जो हमने पहले से पढ़ा, VDD1, VDD2, VDDCA, VDDCA। हेलो, यस सर। अब मिलन सर एक्सप्लेन करो, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए ये एक VGA 200 रैम है, यस सर, और ये जो रैम है LPDDR4 की रैम है, और इस रैम को चलने के लिए दो वोल्टेज चाहिए, जो वोल्टेज है एक 0.6 और एक वोल्टेज है 1.2। अब हम चाहे तो जो ये जो आईसी है, इस आईसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं, या इस आईसी की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। इसके बिना भी हम एक काम कर सकते हैं, हम चेक करने के लिए इसमें जो हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम अलग से देंगे, क्योंकि इस आईसी का काम है सिर्फ वोल्टेज को क्रिएट करना, और कोई काम नहीं है सिर्फ वोल्टेज देना। तो हम अलग से एक वोल्टेज क्रिएट करेंगे और चेक करेंगे हमारा फोन ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन हो जा रहा है बाईपास करने पर, तो बाईपास में रख सकते हैं, या तो फिर हम इसी आईसी की इसकी प्रोटोकॉल पूरा करके जो भी पैडलाइन है उसकी, जो इसकी इनपुट है, जो आउटपुट है, उसको हम रिपेयर करेंगे। जी सर, आप देखो दोनों आईसी को थोड़ा ध्यान से देखो, HDSCL EN
और ये EN ले रहा है मेन पावर से, जिसको एक्स्ट्रा PMIC EN बोल रहे हैं। और इस ICU भी देखो सेम HDSCL EN, मतलब दोनों ICU के प्रोटोकॉल अंदर से सेम है। आप देखो यहाँ पर HCL आ रहा है E2 पर, यहाँ पर भी आप देखो तो HCL आ रहा है E2 पर, यहाँ पर ग्राउंड ग्राउंड और EN देखो D2 पर, तो यहाँ पर भी देखो तो EN है D2 पर। मतलब ये दोनों IC एक ही फॉर्मेट पर लगी हुई है, बट सिर्फ वोल्टेज अलग अलग बना रही है। एक बना रही है 1.2 और एक बना रही है 0.6 बस। और दोनों का कॉलों का जो अगर हेनरी हम बात करेंगे तो ये बहुत, ये 0.33 हेनरी का कॉइल है और ये वाला कॉइल भी 0.33 मतलब 0.4 हेनरी के कॉइल है दोनों। तो ये तो मिलन सर ने जैसे बोला, मिलन सर का कहना ये है कि इस आईसी का आउटपुट क्या है। अब मेरी बात समझना, आउटपुट तीन या चार तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे अगर ये फ्रिक्वेंसी निकालती, मतलब कोई डाटा की लाइन, कोई क्लॉक की लाइन, तो हम इसको जम्पर या बाईपास, क्योंकि उसमें एड्रेस होता है, वो हम उसी आईसी से बनाते क्योंकि वो एड्रेस टू एड्रेस चलती है। समझ रहा मेरी बात? पर क्योंकि ये एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, सिर्फ एक रेगुलेटर जो सिर्फ एक वोल्टेज को रेगुलेट करके दे रहा है। हेलो हाँ, बट वो HDSCL क्यों है? क्योंकि ये CPU से कमांड लेके कर रहा है कि कब करना है और कब नहीं करना है, बस इसको CPU से इसलिए जोड़ा गया है। तो हम अगर CPU का कमांड हटा भी दे और इसको डायरेक्ट बाईपास कर दे तो हमारी रैम प्रोसेस पे आ जाएगी और हो सकता है हमारा फोन ऑन हो जाए। हेलो यस सर। तो देखो मिलन सर बताओ, तो हम क्या कर रहे? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज इसकी आउटपुट है 1.25 वोल्टेज है, तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज हम 1.4 तक दे सकते हैं सर। 1.4 तक या 1.5 भी दे सकते हैं। तो सर हम एक ऐसा सेक्शन ढूंढेंगे इस फोन के अंदर जिसमें हमें 1.4 मिल जाए या 1.2 मिल जाए, तो वही सुकेन से हमारा हेलो VA12 एक्चुअली VA12 को भी बाईपास कर रहा है किसी ने और रेडियस पर 1.4 आ गया है। हेलो तो हम VDD2 को भी बाईपास कर देते हैं, तो हम VA12 से उठाएंगे जंपर और VDD2 में मार देंगे। हेलो क्योंकि वहां 1.4 है और यहाँ 1.2 चाहिए और देखते हैं कि होता है कि नहीं। एक और चीज सर, मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे सलमान ने बोला मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम कितना, उसका एक और आंसर है, चलो देता हूँ। DC मशीन से हम वोल्टेज दे सकते हैं 1.1, लोगो दे सकते हैं 1.2, 1.3, और जहां जहां पर लोगो नहीं आया मतलब वो वोल्टेज उतना दे नहीं सकते। हेलो yes, तो अभी हम DC से नहीं डायरेक्ट जम्पर मारे क्या? yes, देखते हैं। तो हम वही VA12 को उठाकर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हम चाहे तो इस आईसी को रिमूव करके भी कर सकते हैं काम, समझ लेना, क्योंकि इस आईसी को जब हम बाईपास कर ही रहे हैं। तो इस कंप्यूटर YouTube के स्ट्रीम में पहली बार बन रहा है। हेलो रैम के वोल्टेज को बाईपास करना, ये आपने आज तक कभी YouTube में कोई वीडियो देखा है क्या इसका? नहीं, ये पहला YouTube में वीडियो होगा इंडिया में जो एशिया टेलीकॉम दे रहा है। अब यहाँ पर कितने वोल्टेज बन रहे हैं? 1.4। अब ये वोल्टेज आप देखो तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, देखो जरा, तो ये वोल्टेज ये पूरी जगह पे रैम की पूरी जगह में जा रहे हैं, CPU में भी जा रहे हैं, और ये वोल्टेज यहाँ पर, ये पीछे कुछ कॉम्पोनेंट लगे हैं पैरेलल कॉम्पोनेंट में जा रहे हैं, एक MMC के अंदर भी जा रहे हैं, तो MMC के अंदर, EMMC में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपके CPU में जा रहे हैं और रैम में जा रहे हैं। ठीक है मिलन सर, DC रीडिंग देखो, तो पहले DC रीडिंग आ रही थी 90 तक जाकर 0 आ जा रहा था सेट। बूट केबल नहीं है क्या? बूट केबल अनिल, बूट केबल लाओ। है रुक जाओ, आज हमने इस क्लास में सिंगल पावर, डबल पावर, थ्री पावर का सीक्वेंस पढ़ा। हेलो किस किस को समझ में आया जल्दी बताओ। मीडिया टेक का सीक्वेंस, क्वालकॉम का सीक्वेंस, किस तरह से पावर ऑन होता है, बूट केबल लाओ इमीडिएटली, बॉब की लाइन क्या है, आईसी के अंदर के प्रोटोकॉल क्या है हमने ये पढ़े, हाई एलईओ कब बनता है, कैसे चेक करना है। एक और फोन है हमारे पास रियलमी का,
इस फोन में भी हम इनिशियल इसको चेक कर लेंगे। इस फोन को हम इस दूसरी क्लास में बनाएंगे, एमडी सर की क्लास में। हेलो यस सर। इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं अपन देखेंगे। पहला अपन इसमें समझ लेंगे। अब देखो आप पावर की दबा रहे हैं। अब देखो रीडिंग पहले 90 तक जा रही थी, अब हम देखेंगे 200 जा रही है कि नहीं आ रही है। चालू हो गया। हेलो सर। अब हम इसका क्या देख लें एक बार, डिस्प्ले क्या मैं डिस्प्ले, क्योंकि रैम का मामला है, क्या पता रैम डिस्प्ले ना दिखा रहा हूं। सेट तो ऑन कर दिया। Yes. दिखाओ जरा मोबाइल में, दिखाओ मिलन सर मोबाइल में दिखाओ। किस किस को समझ में आया भाई, जल्दी बताओ। तो आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि जो वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर से बन के आ रहे हैं, हम उनको कहीं और से भी दे सकते हैं। हेलो yes, हाँ, पर जो वोल्टेज क्लॉट डाटा के साथ आ रहे हैं, हम उनको बाईपास नहीं कर सकते। तो हमने तो मीडिया टेक में कितनी सारी आईसी देखो, इसमें तो ऑलमोस्ट VA12 भी बाईपास है। हेलो yes, अब हमने रैम को भी बाईपास कर दिया, हम VS2 को भी बाईपास कर सकते थे। हेलो yes, उसको भी 1.2, उसको भी हम क्या करते दो वोल्टेज से क्या मार सकते थे जम्पर, या और समझदारी करते तो एक डिवाइडर सर्किट भी लगा सकते थे। हेलो सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है बापन खांडेकर और मैं इधर 28 जून के बैच को ज्वाइन किया था। तो आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है कि मैं इधर एंड्रॉइड का कोर्स करने आया था, मेरे को आईफोन का कोर्स भी एशिया टेलीकॉम की तरफ से गिफ्ट में मिला है। तो एशिया टेलीकॉम को मेरी तरफ से धन्यवाद और देव सर को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। तो मैं चलो एक चीज को इंस्टीट्यूट की तरफ से एशिया टेलीकॉम की तरफ से आईफोन मास्टर सर्किट कोर्स और 5G अपग्रेड भी हमें गिफ्ट में दिया गया। जी जो गिफ्ट मिला है हमें एशिया टेलीकॉम की तरफ से एंड्रॉइड और आईफोन का जो लर्निंग ऐप है जो हमें आने वाले वक्त में इसके लिए सिखाएगा। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ एशिया टेलीकॉम का और एमडी सर का और देव सर का। चलिए ठीक है। मेरा नाम सावन जामे, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके मेरे यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये आईफोन का गिफ्ट है, जो आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिला। मैं करने एंड्रॉइड आया था, एंड्रॉइड का आया था और मेरे को आईफोन का कोर्स से गिफ्ट मिल गया और अभी साथ में 5G सर्किट के साथ। देख रहे हो कि इसमें आईफोन प्लस 5G का कोर्स है, जो कि हमने पहले दिन आया था तो एंड्रॉइड सीख नहीं आए थे, लेकिन यहाँ में आईफोन का कोर्स है वो भी गिफ्ट है सर। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम और थैंक यू करना चाहता हूँ देव सर। महाराष्ट्र से हूँ। ओके हम इधर एंड्रॉइड का सीखने आए थे सब मोबाइल रिपेयरिंग, और देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने हमें उसके साथ आईफोन का भी कोर्स गिफ्ट दिया है। ओके सर, मैं यहाँ एंड्रॉइड का कोर्स सीखने आया था। देव सर ने और एशिया टेलीकॉम ने इधर मुझे आईफोन 5G का कोर्स गिफ्ट दिया है, इसलिए मैं एशिया टेलीकॉम और देव सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं गिफ्ट मिला है मुझे आईफोन का कोर्स मिल गया है और थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, एमडी सर का बहुत बहुत बढ़िया था, एक क्लिपिंग हो जाए सर के लिए। दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और आईसी चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए, हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर आईसी और 4th दिन में CPU करवा देंगे, हम देंगे आईसी पैड लाइन की जानकारी, यहां हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में
सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में, 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से